उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अब तक कुछ घंटों की देरी ही बाकी है। ड्रिलिंग के दौरान आई बाधा को एक बार फिर से दूर कर लिया गया है, जिसके बाद आगे की ड्रिलिंग शुरू हो गई। इस बीच एनडीआरएफ ने भी इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि सुरंग बनाने के बाद श्रमिकों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ ने इसके लिए अब से थोड़ी देर पहले ही मॉक ड्रिल की है। वेल डन भास्कर यार, कांग्रेट्स। अंदर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अंदर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ब्रीदिंग में? हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा? चलो बहुत अच्छे। अंदर हवा आ रही है भास्कर? इसको हमारा बंदा आ रहा है। एनडीआरएफ ने श्रमिकों को सुरंग से निकालने के लिए एक मॉक ड्रिल की और ये जानने की कोशिश की कि जब स्ट्रेचर के जरिए एक एक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उसमें किस तरह की परेशानी आ सकती है। इस मॉक ड्रिल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे एक एनडीआरएफ कर्मी को सुरंग के अंदर भेजा गया और फिर उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। वीडियो में एनडीआरएफ कर्मियों ने रस्सी से स्ट्रेचर को बांधा है। इस स्ट्रेचर पर भास्कर नाम का कर्मचारी को पेट के बल लेटा है और फिर टनल के बाहर मौजूद कर्मी उसे रस्सी के सहारे बाहर खींचते हैं। स्ट्रेचर पर पहिए लगे होने की वजह से वो काफ़ी तेजी से बाहर आते हुए दिख रहा है। बाहर आने के बाद उसने बताया कि अंदर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और स्ट्रेचर के जरिए आसानी से मजदूर बाहर आ सकते हैं। अंदर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ब्रीदिंग में? हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा? चलो बहुत अच्छे। अंदर हवा आ रही है भास्कर? इसको हमारा बंदा आ रहा है। हमारा बंदा आ रहा है। पानी पानी कर, 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 कर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।